हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम थेरापेटिक इंडेक्स और उसके रिलेटेड सम न्यूमोनिक्स देखेंगे। ठीक है, सो थेरापेटिक इंडेक्स क्या है? मीडियन लीदल डोज डिवाइडेड बाय मीडियन इफेक्टिव डोज। ठीक है, तो इसका यूज़ क्या है थेरापेटिक इंडेक्स का? सो इट टेल्स अस अबाउट द सेफ्टी ऑफ द ड्रग। ठीक है, कि ड्रग सेफ है कि नहीं। तो इसको LD50 अपॉन ED50 भी कहते हैं। तो हायर द थेरापेटिक इंडेक्स सेफर इज द ड्रग। जितना थेरापेटिक इंडेक्स ज़्यादा रहेगा उतनी सेफर ड्रग रहेंगी, और जितना लोअर थेरापेटिक इंडेक्स उतनी टॉक्सिक द ड्रग विल बी। ठीक है, उसके बाद निमोनिक क्या है फिर थेरापेटिक इंडेक्स के फॉर्मूला का? TILE टाइल। ठीक है, सो TI स्टैंड्स फॉर थेरापेटिक इंडेक्स, L स्टैंड्स फॉर लीदल डोज एंड E स्टैंड्स फॉर इफेक्टिव डोज। ठीक है, सो TI इज़ फॉर थेरापेटिक इंडेक्स, फिर L फॉर लीदल डोज और E फॉर इफेक्टिव डोज। ठीक है, फिर उसके बाद द ड्रग्स विथ लो थेरापेटिक इंडेक्स रिक्वायर थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। सो थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग क्या है? इट इज़ डन टू अवॉइड द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। कि ड्रग्स के टॉक्सिक इफेक्ट्स ना हो, इसलिए हम थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करते हैं। तो एक निमोनिक है कि ड्रग्स पजेसिंग लो थेरापेटिक इंडेक्स। सो इसका निमोनिक यही है कि अ ड्रग पजेसिंग लो थेरापेटिक इंडेक्स। तो इन ड्रग्स के थेरापेटिक इंडेक्स लो है, तो इसकी वजह से इनको थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए स्टैंड्स फॉर एंटीबायोटिक्स, ड्रग स्टैंड्स फॉर डिगोक्सिन, पजेसिंग स्टैंड्स फॉर फिनिटोइन। वैसे तो मोस्ट ऑफ द एंटी एपिलेप्टिक्स ड्रग्स का थेरापेटिक मॉनिटरिंग करना ही पड़ता है, क्योंकि उनके थेरापेटिक इंडेक्स नैरो रहता है, तो इसकी वजह से टॉक्सिसिटी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं उसके। ठीक है, तो लो लो स्टैंड फॉर लिथियम, विच इज़ अ मूड स्टेबिलाइजर। फिर थेरापेटिक स्टैंड्स फॉर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट TCA ड्रग्स, एंड इंडेक्स स्टैंड्स फॉर इम्यूनोसप्रेसेंट्स, दैट इज साइक्लोस्पोरिन एंड टैक्रोलिमस। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द थेरापेटिक इंडेक्स एंड रिलेटेड न्यूमोनिक्स। थैंक यू।